हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव डिवाइसेस में इम्पैक्ट डायोड। बेसिकली लेक्चर शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हमने माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स एंड माइक्रोवेव डिवाइसेस में कहाँ तक कवर कर लिया था। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेव्स में माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन उनके बैंड्स में। उसके बाद माइक्रोवेव डिवाइसेस में हमने टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, एम्पलीफायर, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर और उसके बाद हमने ट्रैवलिंग वेव ट्यूब TWT एम्पलीफायर हमने स्टडी किया था। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है माइक्रोवेव डिवाइसेस का, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें है माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जो आपकी, उसमें है आपका पिन डायोड, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद आपका इम्पैक्ट, ट्रापैड और गन डायोड, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो आप इम्पैक्ट डायोड हम आज स्टडी करेंगे। इम्पैक्ट डायोड बेसिकली एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। और उसमें आपके जो सिलेबस में है वो दो डिवाइसेस हैं, तो एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस हैं, एक तो इम्पैक्ट, एक ट्रापैड। तो इम्पैक्ट आज स्टडी करेंगे। इम्पैक्ट की फुल फॉर्म है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांचे ट्रांजिट टाइम। इम्पैक्ट मीन्स आई फॉर इम्पैक्ट, आई फॉर आयोनाइजेशन, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, आई एम फॉर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। बेसिकली इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, IMP फॉर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, एवलांचे ट्रांजिट टाइम डायोड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको एक रीड डायोड भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसकी जो इन्वेंशन हुई थी, इसकी जो थ्योरी डेवलप की है वो बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के वैज्ञानिक थे रीड, उनके द्वारा किया गया था इसको। इसलिए इसको रीड डायोड या रीड्स इम्पैक्ट डायोड या आर इम्पैक्ट भी कहते हैं। तो आल्सो कॉल्ड रीड डायोड, रीड इम्पैक्ट डायोड या आर इम्पैक्ट डायोड, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्टडी में एक तो बेसिकली इसकी देखेंगे कि इस इम्पैक्ट डायोड की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, और ये एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस की फैमिली का मेम्बर है, या एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस के जो तीन मोड होते हैं उन्हीं का एक मोड है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी वर्किंग क्या है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यह एक एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस है। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही होगा, और एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस में होता क्या है, ठीक है। हमें यदि एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस कोई कहता है तो उसमें हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि उसमें बेसिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस किया जाता है। उसको प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली वोल्टेज यदि बढ़ेगी तो करंट घटनी चाहिए, यही नेगेटिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने से भी करंट बढ़ती है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस आपने अभी तक नहीं सुना होगा, हो सकता है यदि सुना है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट घटे, ठीक है। वोल्टेज घटने से करंट बढ़े, मतलब जस्ट वोल्टेज और करंट 180 डिग्री फेस डिफरेंस पर होनी चाहिए। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो, उसे नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करेंगे, दो तरह के टाइम यूज करेंगे। तो उसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे और वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस का एक एग्जांपल है ये, यह एक एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस है। एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में नेगेटिव रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए दो टाइम का यूज करते हैं। वो कौन कौन से दो टाइम हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। एक तो है डिले इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली एवलांचे आपने ECD में भी पढ़ा होगा, जीनर ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन बेसिकली कोलिजन की वजह से जो नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ते जाते हैं, कोलिजन होगा, स्पीड बढ़ेगी, स्टोन्स और होल्स की वो कोलाइड करेंगे,
कोवलेंट बॉन्ड से और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल प्रोड्यूस होंगे, ये आपने अवलांच से पढ़ा होगा। यहाँ इसका ही एक जस्ट एप्लीकेशन है, उसको आपको पता होना चाहिए अवलांच से करंट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो उसमें जो डिले इन्वॉल्व होता है वो एकदम से प्रोड्यूस नहीं होता है, उसमें जो डिले इन्वॉल्व होता है उसका यूज होता है एक तो, और दूसरा होता है मटेरियल के ट्रांजिट टाइम का। तो पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, एवलांची ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में नेगेटिव रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए दो टाइम का यूज करते हैं। पहला होता है एवलांचे के वोल्टेज तथा करंट के मध्य डिले, बेसिकली ये भी एक टाइम है का, और तथा दूसरा होता है मटेरियल के ट्रांजिट टाइम का। ट्रांजिट टाइम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो कैरियर्स को समय लगता है वो कहलाता है ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो मटेरियल के अंदर जो कैरियर्स हैं उनके उसका ट्रांजिट टाइम, और दूसरा एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन को होने में जो लगा समय है डिले है वो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एवलांचे ट्रांजिट टाइम में नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का जो बेसिक प्रोसीजर है या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। और इसमें होता क्या है बेसिकली, तो हमने ये पॉइंट वाइज आपको बता दिया है कि दो टाइम है नेगेटिव रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए, दो टाइम का यूज करते हैं, नंबर एक एवलांचे के वोल्टेज तथा करंट के मध्य डिले टाइम का, दूसरा मटेरियल के ट्रांजिट टाइम का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है माइक्रोवेव रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस उत्पन्न करने हेतु क्या क्या यूज करते हैं। ये हमने ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस में पढ़ा कि क्या क्या यूज करते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए, माइक्रोवेव रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए उत्पन्न करने हेतु क्या क्या यूज करते हैं वो इस पॉइंट में देखेंगे। माइक्रोवेव रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस उत्पन्न करने हेतु एक तो कैरियर इंपैक्ट आयनाइजेशन, और दूसरा तथा सेमीकंडक्टर जंक्शन के हाइल्ड फील्ड रीजन के ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली माइक्रोवेव रीजन में एक तो कैरियर के इंपैक्ट आयनाइजेशन का प्रयोग करेंगे जो नॉर्मली एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा सेमीकंडक्टर जंक्शन के अंदर एक रीजन बनाएंगे जो हाई फील्ड रीजन होगा उसके ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाई फील्ड रीजन का जो ड्रिफ्ट होगा उसका प्रयोग किया जाएगा, मतलब उसको जो चलने में समय है या ट्रांजिट टाइम बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, जो लगेगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम वोल्टेज और करंट के बीच 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे, और बेसिकली वोल्टेज बढ़ने से करंट घटेगी, तो यही नेगेटिव रेजिस्टेंस इसमें प्रोड्यूस करने का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं, इम्पैक्ट डायोड्स इनमें एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन से उत्पन्न होने वाले डिले तथा ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रांजिट टाइम के कारण होने वाले डिले के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। जो अभी हमने आपको बताया था उसी को इसमें लिखा हुआ है पॉइंट वाइज हमने, कि जो इम्पैक्ट डायोड्स हैं उसमें क्या है, एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन से एक डिले आएगा जो कि डिले इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन, और उसके साथ दूसरा डिले होगा जो ड्रिफ्ट स्पेस इसमें होगा। मैंने बात करी थी कि ड्रिफ्ट स्पेस में हाई फील्ड रीजन को मूव करना है, उसको बेसिकली हाई फील्ड रीजन के ड्रिफ्ट का प्रयोग करना है, तो वो ड्रिफ्ट स्पेस में जो ट्रांजिट टाइम लगेगा कैरियर्स को मूव करने में, ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रांजिट टाइम के कारण होने वाले डिले, बेसिकली जो करंट पल्स मूव करेगी या करंट पल्स ड्रिफ्ट शिफ्ट होगी उसकी बात हम कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट स्पेस में होगी, वो ड्रिफ्ट स्पेस या स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं उसको, वो कंस्ट्रक्शन में क्लियर आपको हो जाएगा कि कौन से रीजन को आप ड्रिफ्ट स्पेस कह रहे हैं। तो ड्रिफ्ट स्पेस में एक ट्रांजिट टाइम होता है जितना आपको करंट पल्स को ट्रेवल करने में लगता है, शिफ्ट होने में लगता है ड्रिफ्ट स्पेस में, वो ट्रांजिट टाइम प्लस एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन में जो इन्वॉल्व डिले है उन दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग हम इम्पैक्ट डायोड्स में करते हैं। इनमें एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन से उत्पन्न होने वाला डिले, और दूसरा है ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रांजिट टाइम के कारण होने वाला डिले, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में अवश्य रखेंगे, तभी आपको इसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी। तो रिजल्टिंग करंट, तो इस कारण से क्या होगा, इस कंबाइंड डिले से अप्लाइड वोल्टेज तथा रिजल्टिंग करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है। मतलब जो वोल्टेज उसमें अप्लाई होगी प्लस जो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगी उन दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घटेगी, यही आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही है, किसी डिवाइस की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी करंट
उसकी वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाती है। यह हमने जस्ट आपको बता दिया है कि कोई डिवाइस जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घटेगी, या फिर ये कह लीजिए कि वोल्टेज और करंट के बीच का कोई डिफरेंस 180 डिग्री है, तो वो डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रही है, और जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा शो कर रही है वो उसकी नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो कि मतलब ये डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करती है। तो किसी डिवाइस की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी करंट उसकी वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी डिवाइस की वह प्रॉपर्टी जो उसकी धारा का वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज कर देती है, उसकी धारा को उसकी वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज करती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में ये डायग्राम है, फिगर 2.20A, एशियन पब्लिकेशन की राहुल वाधवाजे की बुक से लिया गया है। 2.20A इम्पैक्ट डायोड की संरचना, इसमें बेसिकली संरचना में आपको दो तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा सकती हैं, दो तरह की स्ट्रक्चर इसमें होती हैं। हमने इसमें एक को दिखाया है पी प्लस एन एन प्लस, और दूसरी हो सकती है एन प्लस पी पी प्लस। मतलब इसमें जो बेसिकली एन प्लस है उसमें कई बुक्स में आपको आई एन प्लस भी लिखा होगा, मतलब आई फॉर इंट्रिंसिक उसके बाद एन प्लस। तो इसमें ये दिया हुआ है, हमने ये यूज किया है इसमें, तो एन प्लस पी और पी प्लस भी यूज कर सकते हैं, या पी प्लस एन एन प्लस, दोनों की वर्किंग लगभग सेम सी ही है, है ना। तो बस उसमें पी प्लस यूज किया है, उसमें एन प्लस हो जाएगा उसकी जगह, एन की जगह पी और पी की जगह एन प्लस की जगह पी प्लस। वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, लेकिन पहले इसको एक बार समझ लेंगे कि इसमें बेसिकली जो आपका पी प्लस है उस पर एनोड के थ्रू नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है, उसको एनोड बोल रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है, मतलब रिवर्स बायस की हम बात कर रहे हैं, और एन प्लस पे पॉजिटिव दिया है, मतलब यहाँ पर भी रिवर्स बायस की हम बात कर रहे हैं, पी प्लस पर नेगेटिव एन प्लस पर पॉजिटिव। और इसमें जो डिफ्ट रीजन है वो एन प्लस को कहते हैं, और पी प्लस एन जंक्शन इसी में एवलांचे रीजन, एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए इसको पी प्लस एन जंक्शन पर एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन होता है, इसलिए इसको एवलांचे रीजन कहते हैं। ठीक है, और ड्रिफ्ट स्पेस जो ड्रिफ्ट रीजन है वो स्पेस चार्ज रीजन है, इसी में चार्ज जो है करंट पल्स जो ड्रिफ्ट होकर जाएगी, बेसिकली करंट चार्ज कैरियर जाएंगे तो वो इसी रीजन के थ्रू होकर जाएंगे, और इसमें जो ट्रांजिट टाइम इन्वॉल्व होगा वो इसी रीजन में होगा, इसी को हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट रीजन में, जो बेसिकली स्पेस ड्रिफ्ट स्पेस में ट्रांजिट टाइम के कारण होने वाला डिले की हम जो बात कर रहे थे वो इसी स्पेस के अंदर है, ड्रिफ्ट रीजन के अंदर। इसकी लेंथ लगभग 10 माइक्रोमीटर है, और जो आपका एन है उसकी लगभग 3 माइक्रोमीटर और पी प्लस की लगभग 2 माइक्रोमीटर। तो इस कंस्ट्रक्शन को एक बार और वर्किंग को हमें देखेंगे। बेसिकली जो आपका इम्पैक्ट डायोड है वो एक जंक्शन डायोड है, पी प्लस जंक्शन डायोड इज देयर, इसमें पी प्लस एन जंक्शन है, इसी वजह से इसको जंक्शन डायोड बोल रहे हैं। इस जंक्शन के अक्रॉस जो पी प्लस एन जंक्शन है इसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, एक हाई वोल्टेज ग्रेडियंट लगा रहे हैं, तो उससे बहुत हाई करंट फ्लो होती है। तो बेसिकली वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डीवी बाई डीएक्स मैथमेटिकली लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू काफ़ी हाई है, लगभग 500 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर के ऑर्डर की है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस जंक्शन के अक्रॉस यदि हाई वोल्टेज ग्रेडियंट डीवी बाई डीएक्स वेरी हाई 500 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर के ऑर्डर का लगाएं तो बहुत हाई करंट फ्लो होता है, मतलब एक हाई वोल्टेज ग्रेडियंट मतलब जो डिस्टेंस के साथ वोल्टेज में चेंज काफ़ी हो वो लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, जंक्शन के अक्रॉस लगा देंगे तो बहुत हाई करंट फ्लो होती है। और बेसिकली नॉर्मल डायोड में तो ऐसा जो हाई वोल्टेज ग्रेडियंट है वो सपोर्ट नहीं करता है, मतलब वो डायोड उसको सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन इसमें इम्पैक्ट डायोड बेसिकली इसी टाइप से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसकी डिजाइनिंग से ऐसी की जाती है ताकि वो इतने हाई वोल्टेज को सहन कर सके, उस पर ऑपरेट कर सके। इम्पैक्ट डायोड इज एबल टू ऑपरेट और विदस्टैंड एट सच हाई वोल्टेज ग्रेडियंट, डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन उसकी इसी तरह से होती है। अब इस हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट द्वारा होगा क्या, रिवर्स बायस में जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लगते हैं, जो ये हाई वोल्टेज ग्रेडियंट है हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके द्वारा रिवर्स बायसिंग के कारण जंक्शन में माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लगते हैं। रिवर्स बायस में बेसिकली हमें पता है
हमने जो डायोड पढ़ा था ईसीडी में फर्स्ट ईयर में, आप लोगों ने देखा होगा कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है। तो रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपके फ्लो करने लगेंगे, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो उनकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट द्वारा रिवर्स बायस में जो लगाया गया है तो उसकी वजह से, रिवर्स बायस की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करने लगते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब पी प्लस जो आपका रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं और जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी हैं। ऐसे ही एन रीजन की बात करें तो उसमें होल्स जो है वो माइनॉरिटी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी हैं। एन में होल्स माइनॉरिटी हैं, पी में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं, तो इनकी जो फ्लो है वो बढ़ जाती है। रिवर्स बायस में हम लोग ये पहले से भी जानते हैं कि रिवर्स बायस में करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है और फॉरवर्ड बायस में करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये हम इसमें समझेंगे कि कैसे वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ये, और उसके लिए ज़रूरी है कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो। तो इस ग्राफ से आप देख भी सकते हैं कि दो फेज डिफरेंस 90 डिग्री के दिखाए गए हैं। पहला तो पॉजिटिव जो है वो करंट पल्स का मैक्सिमम जो है वो तब आता है जब वोल्टेज जीरो है, दिखाई दे रहा है इसमें। पहले देखेंगे इसमें कि दो पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, फिगर 2.20 जो लिया गया है उसमें इम्पेड डायोड बिहेवियर है। इसमें बेसिकली एक तो आप डीसी अप्लाइड और आरएफ वोल्टेज का कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखाया गया है, डीसी अप्लाइड प्लस आरएफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ है। दूसरा करंट पल्स है, ठीक है, करंट पल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री है दिखाया गया है। तो उसको कैसे समझेंगे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझाने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन मतलब एवलांचे ब्रेकडाउन वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर होता है। रिवर्स बायस जैसे आप अप्लाई करेंगे तुरंत ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप जानते हैं। और उस वोल्टेज को एवलांचे करंट थ्रेशोल्ड या एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं कि उसमें एवलांचे करंट फ्लो हो इतना वोल्टेज उसमें होना चाहिए मिनिमम। तो वो वोल्टेज डीसी वोल्टेज डॉटेड लाइन से दिखाया गया है फर्स्ट फिगर में ऊपर वाली में कि ये इतना डीसी वोल्टेज उसमें होगा, उसके ऊपर वोल्टेज होगा तो उसमें करंट मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि डीसी वोल्टेज प्लस आरएफ वोल्टेज, तो डीसी वोल्टेज यदि इतनी है जो डॉटेड वाली है उसके ऊपर आरएफ वोल्टेज और सुपरइम्पोज करते हैं तो उससे करंट मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा और जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें करंट पल्स मैक्सिमम तब है जब वोल्टेज जीरो है, उसके बाद शिफ्ट होने के बाद करंट पल्स ड्रिफ्ट कर दी है कैथोड की तरफ, कैथोड मतलब इधर जो हाई पोटेंशियल है बैटरी का, और उसके बाद वो करंट पल्स एट कैथोड जब वी बराबर मैक्सिमम है। ठीक है, फिगर बी और सी है। तो बेसिकली ये अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप इसके पॉइंट वाइज नहीं देखेंगे जो लिखा हुआ है। देखते हैं क्या है, हमने लिखा जो बुक्स में दिया है उसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतना देख लिया है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस दो डिले के कम्बिनेशन की वजह से होता है, वो डिले कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो देखते हैं। तो अभी हमने देखा उसको डिले को समझने से पहले कि उसमें डीसी अप्लाई की गई रिवर्स बायस, उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होनी शुरू हो गई है। अब जब इस जंक्शन पर बेसिकली पी प्लस एन जंक्शन पर आरएफ एसी सप्लाई जो है वो अप्लाई की जाती है, आरएफ या एसी अप्लाई की जाती है, तो जंक्शन पर टोटल अप्लाइड वोल्टेज का मान निम्नलिखित होता है, कौन सा होता है, हाई डीसी वोल्टेज जो हमने पहले से अप्लाई कर रखी है प्लस सुपर इम्पोज्ड आरएफ एसी वोल्टेज। तो दो तरह की वोल्टेज है, एक तो बैटरी की वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज पहले से अप्लाई की हुई है पहले से ही, उसके बाद उसमें आरएफ या एसी वोल्टेज और अप्लाई करेंगे तो बेसिकली आपके पास दो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हाई डीसी वोल्टेज प्लस सुपर इम्पोज्ड आरएफ एसी वोल्टेज। इससे क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स और होल की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वोल्टेज टोटल बढ़ गई है, ठीक है, जिससे कोलिजन के कारण, टक्कर के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर आने लगते हैं, बेसिकली फ्री होकर बाहर आने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, मतलब टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है फ्री हो रहे हैं, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन यदि अपने एटम को छोड़ के आ रहा है तो उस पर वो एक जो है इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के आ रहा है, तो पॉजिटिव आयन भी क्रिएट हो रहा है, बेसिकली डोनर आयन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है तो डोनर आयन बन रहा है, और होल छोड़ के आ रहा है तो जो बेसिकली एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज दूर हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, मतलब वो एक्सेप्टर है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तभी वो उसमें होल बाहर उससे निकला है, ठीक है, तो बेसिकली फ्री हुआ है, यह कह सकते हैं उससे होल गायब हुआ है, ठीक है, कहीं और होल मूव हुआ है। ये हमने ECD में बहुत अच्छे से देखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट होता है, कैसे एक्सेप्टर और डोनर आयन बनते हैं, तो उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ टक्कर के कारण बनते हैं, तो इसलिए इसको इम्पैक्ट आयनाइजेशन बोल रहे हैं, और बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब करंट आपकी बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स होल की स्पीड बढ़ने की वजह से टक्कर हुई थी, और टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन्स होल्स और क्रिएट हो गए हैं, तो ये बेसिकली करंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो एक एक इलेक्ट्रॉन ने होल एयर है, एक इलेक्ट्रॉन ने एक टक्कर की, तो एक एटम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड टूटा एक, फिर इलेक्ट्रॉन होल दो जनरेट हुए, फिर वो दो आगे दो दो से टकराएंगे और एक एक जो है दो को प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक के दो, दो के चार, चार के 16, इस टाइप से वो बहुत संख्या में प्रोड्यूस होंगे, एक तरह से लगेगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बहुत बाढ़ सी आ गई है, मतलब एक तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, कैरियर्स की बाढ़ टाइप कह जाती है। तो उसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे, जो आपका RF AC सप्लाई अप्लाई किया गया उसके बाद जंक्शन पर टोटल अप्लाइड वोल्टेज का मान निम्नलिखित होता है, हाई DC वोल्टेज प्लस सुपर इम्पोज RF AC वोल्टेज। इससे इलेक्ट्रॉन्स व होल्स की स्पीड बढ़ती है जिससे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स व होल्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर आने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट आयनाइजेशन, ठीक है। ये एडिशनल कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेशन के इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस होंगे तो और आगे टक्कर करेंगे, और स्पीड बढ़ेगी और प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते चले जाएंगे। इससे जंक्शन में कैरियर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और लगभग ये समझ लीजिए कि जंक्शन पर कैरियर्स की बाढ़ जैसी आ जाती है, और जंक्शन पर एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अब यदि ओरिजिनल DC वोल्टेज इक्वल टू हो थ्रेशोल्ड फॉर एवलांचे मल्टीप्लीकेशन, तो RF AC सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल में एवलांचे मल्टीप्लीकेशन प्राप्त होगा। ये हमने भी डायग्राम में भी देखा था, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होती है, मतलब एक मिनिमम वोल्टेज इतनी होनी चाहिए कि DC वोल्टेज इतनी हो कि वो पर्टिकुलर वोल्टेज एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन के लिए सफिशियंट हो, मतलब एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही होता है जिस पर एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, तो बेसिकली उसको एवलांचे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। तो वो उस वोल्टेज के यदि इक्वल आपने पहले से ही वोल्टेज अप्लाई कर रखा है तो RF साइकिल जब अप्लाई करेंगे तो उसकी पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, टोटल वोल्टेज बढ़ जाएगी, पहले से एक वोल्टेज प्रेजेंट है जो मिनिमम चाहिए थी उसके साथ प्लस मिल रहा है, तो RF की पॉजिटिव साइकिल में करंट मल्टीप्लीकेशन की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, नेगेटिव में नहीं होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव जब आपकी साइकिल आएगी तो उस समय करंट मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। तो DC वोल्टेज यदि आपकी ओरिजिनल जो बिना सिग्नल के अप्लाई डायोड के अक्रॉस, डायोड के जंक्शन P+N जंक्शन के अक्रॉस अवेलेबल है, तो क्या होगा, जब आप RF सिग्नल अप्लाई करोगे तो RF सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल में टोटल वोल्टेज बढ़ जाएगा, और टोटल वोल्टेज की वजह से एवलांचे मल्टीप्लीकेशन या एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन होगा। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो एवलांचे करंट मल्टीप्लीकेशन है वो एकदम से शुरू नहीं होता, एकदम से नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ समय लगता है, एवलांचे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ समय लगता है, एकदम से शुरू नहीं होता है। तो जो समय लगता है वो लगभग नॉर्मली वास्तव में प्रैक्टिकली इतना लगता है, डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि करंट मल्टीप्लीकेशन में इतना समय लगता है कि जिससे कि जो करंट पल्स है और जो वोल्टेज है उसके बीच में 90° फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि करंट पल्स अपने मैक्सिमम पे तब पहुंचेगी जब वोल्टेज 0 पर हो और नेगेटिव की ओर जा रही हो, देख सकते हैं इसको, आपकी करंट पल्स मैक्सिमम तब हो रही है जब वोल्टेज 0 है और वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है, जो वोल्टेज वाली डायग्राम है और करंट वाला, उसमें देख सकते हैं करंट मैक्सिमम तब है जब वोल्टेज 0 है और साथ में ही वोल्टेज किधर जा रही है, नेगेटिव की ओर जा रही है। तो बेसिकली इन दोनों में
मैक्सिमा के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। पूरी साइकिल 360 डिग्री की है, उसमें से एक चौथाई साइकिल का डिफरेंस है तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, क्योंकि 360 बटे 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अवलांची करंट मल्टीप्लीकेशन में जो समय लगेगा उसमें ऐसा हो जाएगा। अवलांची करंट मल्टीप्लीकेशन या अवलांची मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ समय लगता है, वो एकदम से शुरू नहीं होता है। अवलांची मल्टीप्लीकेशन होने में लगने वाला जो समय है वो लगभग इतना होता है कि करंट पल्स अपने मैक्सिमम पर तब पहुंचती है जब वोल्टेज जीरो पर पहुंचकर नेगेटिव की ओर जा रहा हो। मतलब इतना समय उसमें लगता है कि इतने समय में ऐसा हो जाता है कि करंट पल्स अपने मैक्सिमम पर तब पहुंचेगी जब वोल्टेज जीरो हो और उसके बाद वोल्टेज जो है आगे नेगेटिव की ओर बढ़ रही हो। तो जो डिले है ये अवलांची मल्टीप्लीकेशन से जो उत्पन्न डिले है, अतः यह डिले जो अवलांची मल्टीप्लीकेशन में उत्पन्न हुआ है उसकी वजह से वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि अतः यह डिले वोल्टेज व करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब फिगर 2.20 सी में आप देख सकते हैं कि करंट पल्स जंक्शन पर जो उत्पन्न हुई है वो आगे ड्रिफ्ट करेगी। करंट पल्स जो जंक्शन पर प्रोड्यूस हुई वो आगे ड्रिफ्ट करेगी। उसके बाद इसके बाद करंट पल्स कैथोड की ओर मूव करती है, तो बेसिकली वो अपराइट रिवर्स बायस के कारण तथा यह हाई डीसी फील्ड की प्रेजेंस के आधार पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करती है। मतलब कितनी स्पीड है, जो वो स्पीड है वो डिसाइड होती है हाई डीसी फील्ड की प्रेजेंस पर। कितना उसमें ऑलरेडी डीसी फील्ड लगाया गया था तो उसकी प्रेजेंस के आधार पर और अप्लाइड रिवर्स बायस के आधार पर वो जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगी जो करंट पल्स है कैथोड की ओर। मूवमेंट इसमें दिखाया भी गया है कि करंट पल्स ड्रिफ्ट हो रही है टू वार्ड्स कैथोड। वो कितनी देर में पहुंचेगी करंट पल्स एट कैथोड, जब वी बराबर मैक्सिमम नेगेटिव है तब पहुंचेगी, है ना, और करंट पल्स का मैक्सिमम पॉजिटिव आ जाएगा वहां पर। तो बेसिकली इसको पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे कि अतः पल्स को कैथोड तक पहुंचने में लगने वाला समय उसकी वेलोसिटी तथा हाईली डोप्ड एन प्लस लेयर की थिकनेस पर डिपेंड करता है। बेसिकली जो आपने एन प्लस लेयर लास्ट वाली लगाई है, अभी हमने बात करी थी डायग्राम में कि ये जो एन प्लस लेयर है इसी में वो मूवमेंट करेगी, इसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगी उसको कितना समय लगेगा। तो ये बेसिकली ट्रांजिट टाइम है, ट्रांजिट टाइम पर डिपेंड करता है। तो अभी एक अवलांची करंट मल्टीप्लीकेशन में डिले प्रोड्यूस हुआ है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा ट्रांजिट टाइम पर डिपेंड करता है। ये हमने बताया था कि इसकी जो कंबाइंड है, एक तो डिले जो अवलांची करंट मल्टीप्लीकेशन में हुआ है जनरेट, दूसरा जो ट्रांजिट टाइम की वजह से हुआ है, उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ही वोल्टेज करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो 90 डिग्री पहले से आ चुका है हमारे पास अवलांची करंट मल्टीप्लीकेशन में। दूसरा डिले यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो करंट पल्स है इसके बाद करंट पल्स कैथोड की ओर मूव करती है और वो मूवमेंट की वजह से पल्स को कैथोड तक पहुंचने में लगने वाला समय उसकी वेलोसिटी तथा हाईली डोप्ड एन प्लस लेयर की थिकनेस पर डिपेंड करेगी, और इस समय को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है जिससे करंट पल्स को वी बराबर जीरो से वी बराबर नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब नेगेटिव साइकिल का मैक्सिमा तक पहुंचने में लगे समय में करंट पल्स और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस और ऐड हो जाए। मतलब जो आपकी टाइमिंग है वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करती है, तो डिजाइनिंग इस तरह से की जाती है, या कह सकते हैं कि इस टाइम को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है जो ट्रांजिट टाइम है कि इतना समय लगे जितने में करंट पल्स को वी बराबर जीरो से वी बराबर नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुँचने में समय जो लगे समय है उसमें करंट पल्स और वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस और ऐड हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार वोल्टेज करंट के मध्य कुल फेज डिफरेंस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें फर्स्ट किस वजह से है और सेकंड किस वजह से है वो देख सकते हैं, हमने अभी बताया, एक तो करंट मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, दूसरा ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो लिखा हुआ है डिले फर्स्ट है 90 डिग्री ड्यू टू अवलांची मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, दूसरा है करंट पल्स को जंक्शन से कैथोड तक आने में लगे समय के कारण, बेसिकली ट्रांजिट टाइम। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब वोल्टेज जो है बढ़ेगी तो करंट घटेगी, मतलब नेगेटिव रेसिस्टेंस है। तो इस प्रकार इंपैक्ट डायोड में डायनेमिक या एसी या आरएफ नेगेटिव रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली इंपैक्ट डायोड नेगेटिव रेसिस्टेंस शो करता है या एग्जिबिट करता है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर इंपैक्ट डायोड में डायनेमिक या आरएफ नेगेटिव रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है।
सवाल ये भी है कि रीड डायोड इसे क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, रीड इम्पैट डायोड या रिमपैट क्यों कहते हैं, क्योंकि या रीड डायोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस डायोड का विकास बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के वैज्ञानिक रीड द्वारा किया गया था। तो बेसिकली इसको रीड डायोड कहते हैं, या रीड इम्पैट डायोड या रिमपैट डायोड भी कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशंस है माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स में और माइक्रोवेव जनरेटर्स में भी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में है या नेगेटिव रेजिस्टेंस एम्पलीफिकेशन में है, बाकी इंट्रूजन अलार्म नेटवर्क्स में, एफएम टेलीकॉम ट्रांसमीटर में और कंटिन्यूस वेव सीडब्ल्यू मींस कंटिन्यूस वेव डॉपलर रडार ट्रांसमीटर में भी इसकी एप्लीकेशन है। रडार के बारे में डिटेल में आप इसी सब्जेक्ट के अंदर रडार नाम की यूनिट है, तो वो आप वेवगाइड एंटीना रडार और सेटेलाइट, तो उसमें ये यूनिट्स हैं इसकी और इसके बाद, तो उसमें रडार में आप रडार के बारे में, रडार वाले यूनिट में रडार के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस का एक मोड है इम्पैक्ट डायोड, तो इम्पैक्ट डायोड बेसिकली रीड डायोड भी कहा जाता है। उसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमने दो डिले का यूज किया है, एक तो एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन के कारण प्रोड्यूस डिले, दूसरा मटेरियल के ट्रांजिट टाइम का डिले, ये आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और वोल्टेज बढ़ेगी करंट घटेगी, इसका मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, और ये डिले कैसे कैसे प्रोड्यूस हुए हैं वो आपने समझ लिए हैं। इसमें आपको एवलांचे करंट मल्टीप्लिकेशन एक बार आप इसी वाले सब्जेक्ट से भी देख सकते हैं, तो जो आपकी पहली क्लास में आपको पढ़ाया गया है और मैंने यहाँ ब्रीफ में आपको फिर से बताया भी है एक बार। और बेसिकली उसके बाद हमने इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में पॉइंट वाइज आपको समझाया है, उसके बाद एप्लीकेशन। थैंक यू।